को इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट दे देते हैं प्रतापगढ़ से, जहां सदर एमएलए राजेंद्र मौर्य ने मतदान कर दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। विधायक ने लोगों से मतदान की अपील भी की है, कहा कि इस बार भी देश में कमल खिलाना है। खुद मतदान किया, उसके बाद लोगों से मतदान की अपील भी की। तो खबर आपको बता रहे हैं प्रतापगढ़ से, सदर एमएलए राजेंद्र मौर्य ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। और लोगों से मतदान करने की अपील भी करते नजर आए हैं। और इस बार भी कमल खिलेगा, ये उन्होंने कहा, यानी जो शुरू से नारा रहा है बीजेपी का 400 पार, उस पर वो बयान देते नजर आए। वोट डाला है, क्या लग रहा है कि क्या माहौल है, क्या यहाँ मोदी लहर इस बार भी है? निश्चित रूप से है, कमल ही कमल दिख रहा है। जहां पे आप खड़े हैं वहां भी एक कमल सरोवर है, हनुमान जी के पावन प्रांगण। मैं यहीं से भगवान को प्रणाम करके और अपना मतदान करके पूरे क्षेत्र में जा रहा हूं, और सबसे निवेदन पूर्व में किया है, प्रदेश के प्रधानमंत्री ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, कि हमको एक बार फिर से 400 के पार ले जाना है और हर बूथ पे कमल खिलाना है। वह संकल्प लेकर के पूरे क्षेत्र में जनता जनार्दन के बीच में हम लोग गए हैं और जा रहे हैं। पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि हम लोग इस लोकसभा में आदरणीय सांसद जी को दूसरी बार 2 लाख के पार से मतों से जिता करके हम लोगों को सदन में भेजेंगे। यह जो कमल का पुष्प माला है, वो 400 की जो माला उनके गले में पड़ेगी, उसमें हमारे प्रतापगढ़ का वह खिलता हुआ कमल जो हमारे देवतुल जनता जनार्दन को आशीर्वाद के रूप में दिया है, वह निश्चित रूप से उनके गले में पहुंचेगा। मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ। सुनने में आ रहा है कि कई जगह मौर्य समाज के लोग भी नाराज चल रहे हैं, बीजेपी को क्या लगता है कि नाराजगी सबसे है? ये सब दिखावा है, हमारे विपक्षियों का प्रोपोगंडा है। हमारा शौर्य मौर्य है, लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विकास में विश्वास रखते हैं। किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। मैं मुलायम सिंह ये समाजवादी नहीं है कि ये परिवार की बात का, यहाँ जातिवाद है, यहाँ सबका साथ सबका विकास है, सभी जातियों का सम्मान है। यहाँ पे आप देखते होंगे कि 400 कमल खिलने जा रहे हैं, तो 400 जातियों का विभिन्न उसमें जो है, जितने भी समाज के हमारे वर्ग सबका प्रतिनिधित्व है। आप जनपद में चाहे हमारे प्रतापगढ़ देख लीजिए, प्रयागराज देख लीजिए, आप बगल से जौनपुर देख लीजिए, सुल्तानपुर देख लीजिए, यह किसी जात की बात पे पार्टी नहीं है, यह धर्म और सनातन की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली, भारत विकसित भारत की नारा देने वाली पार्टी है। राजा भैया कुछ नाराजगी दिख रही है, इसके अलावा अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सांसद जी रोने लगे, क्या लग रहा है, कहीं वो हताश तो नहीं होते? कहते कहते ये हृदय में कोई भाव है वो आ जाता है। देवतुल जनता जनार्दन के चरणों में निवेदन किया था, मैं भी मंच साझा करा था, मैं भी पीछे बैठा था बगल में, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा भैया जी का सम्मान है, हम भी सम्मान करते हैं, वो सनातन का सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, और उनकी जहाँ तक इच्छा हो किसको चाहे वोट दिलाए, हम लोग जनता के बीच वोट मांगे, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं वोट मांगे, समर्थन व्यक्ति विशेष हमारा नहीं है।